नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी राजपूत चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कैसे इस ट्रिक को किया जाता है इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा अपना, उसके बाद यहाँ लिखिएगा आप मोबाइल ट्रैकिंग ऐप। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, बट उसमें जो है आपको बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोज़ भी मिलेंगे जो कि काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको जो ऐप बता रहा हूँ वो है मोबाइल ट्रैकिंग ऐप। ये ऐप है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके इसे रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। तो इसको देख सकते हैं आप, 1 मिलियन इसका डाउनलोड है और 4.3 की इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो ये ऐप है इस तरीके का, इसका आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की ऐप है, इसका ये आइकन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसे ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे इस तरीके से दिखाएगा फैमिली लोकेटर लिखा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन आएगा कि GPS और लोकेशन जो है आपका इनेबल नहीं है, तो उसको आप इनेबल कर लीजिएगा। सेटिंग में जाइएगा, क्योंकि एक फ्री ऐप है तो इसमें एडवर्टाइज तो आएंगे ही आएंगे। आप सेटिंग में जा करके जो है अपना लोकेशन जो भी है आप उसे इनेबल कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। इनेबल करने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैप आपको दिखाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे आप मेन्यू में इसके, और उसके बाद यहाँ पर आपको माई ट्रैकिंग पिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर माई ट्रैकिंग पिन पर क्लिक कर देना है। तो इस समय मैंने पहले से ही सेट करके रखा है 1234 जो है मेरा ट्रैकिंग पिन है, और मैंने इसे सेट करके रखा हुआ है। तो ऐड आएंगे इस तरीके से इसमें, तो आपको यहीं पर जाना है और यहाँ पर आपको इसमें ट्रैकिंग पिन जो है अपना खुद का बनाना है, एक ट्रैकिंग पिन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे आप किसी का भी नंबर ट्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जिस भी यूज़र का आप फ़ोन ट्रैक करना चाहते हैं उस फ़ोन में आपको जो है इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जब आप उसको इसके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद यहाँ माई ट्रैकिंग पिन पर आप जा करके उसका एक ट्रैकिंग पिन जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ट्रैकिंग पिन में कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको एक पिन डालना होगा और पासवर्ड एंटर करना होगा। जब आप ये कर लेंगे, फिर यहाँ पर आप जा करके ऐड न्यू डिवाइस में क्लिक करिए, उसका जो डिवाइस नाम, जो भी डिवाइस का फ़ोन नंबर आपने वहाँ पर एंटर किया है ऐड करते करते हुए, वो नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जैसे मैंने ऐड कर रखा है 8979 जो कि मेरा नंबर है, मैं एंटर कर देता हूँ वो, और ट्रैकिंग पिन जो है मेरा वो मैंने 1234 डाल रखा है। तो जो भी ट्रैकिंग पिन आपने उसके नंबर में डाला होगा, उसके फ़ोन में, यूज़र के फ़ोन में डाला होगा, वही ट्रैकिंग पिन और वही फ़ोन नंबर अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ऐड डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, तो वो आपका डिवाइस इसमें ऐड हो जाएगा। बट ये क्योंकि मैंने पहले से ही इसको ऐड किया हुआ है, तो हो सकता है ये एरर भी शो करे, ये पहले से ही एडेड है। तो ये देखिए इसमें इंसर्ट एरर लिखा गया, डिवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐड किया हुआ है इसको। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है, जिस भी यूज़र का आप फ़ोन लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं उसके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप उसमें जाकर के उसका एक पिन जनरेट कर लीजिए। यहाँ पर माई ट्रैकिंग पिन में जाकर के उसका एक उनका नंबर और उसका पिन जनरेट कर लीजिए। जनरेट करने के बाद आपको करना क्या है, अपने फ़ोन में भी ऐप इंस्टॉल करें, और उसके बाद यहाँ पर जा करके ऐड न्यू डिवाइस में जाएं, उसका फ़ोन नंबर और उसका ट्रैकिंग पिन एंटर करके उसको अपने फ़ोन में ऐड कर लें। जब आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पर जा करके ट्रैक डिवाइस पर क्लिक करेंगे। ट्रैक डिवाइस में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसका भी आपने नंबर ऐड किया होगा तो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें आप क्लिक करेंगे ट्रैक डिवाइस पर, तो जैसे ही ट्रैक डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो उसकी लोकेशन है फ़ोन की वो आपको पता लग जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा ये। हाँ, ये देखिए दिखा रहा है अभी, एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है कि इस तरीके से ये फ़ोन जो है अभी गुड़गांव में है, मैं समय अभी देहरादून में, बट ये जो फ़ोन है मेरा वो गुड़गांव में है, ये गुड़गांव शो करेगा। तो ये इस तरीके का जो है आप प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन को ट्रैक करने के लिए। तो ये एक जेन्युइन ऐप लगी मुझे, जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इस ऐप के बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो इसका यूज़ करना है, उसका करने से पहले आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका GPS भी इनेबल्ड होना चाहिए। अगर ये चीज़ इनेबल्ड नहीं होंगी तो आप फ़ोन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो एट लास्ट आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।